नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यातायात नवंबर माह में सड़क पर चलने के नियमों की अनदेखी करने वालों का 7 लाख का चालान काटा गया। विंध्याचल परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक ने कहा कि जीवन में यातायात के नियमों का पालन जरूरी है, खुद के साथ ही सामने वाले का भी जीवन बचाते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ट्रैफिक के जवानों को सम्मानित किया। मिर्जापुर में यातायात नवंबर माह के समापन के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर स्थित मनोरंजन कक्ष में यातायात माह का समापन दिवस मनाया गया। उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र रामकृष्ण भारद्वाज ने स्कूली बच्चों के उत्साह और सतर्कता बरतने वाले ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कर हम खुद अपना जीवन बचाते हैं, साथ ही सामने वाले का भी जीवन बचाते हैं। मुख्य अतिथि पद से उन्होंने कहा कि एक पल की नादानी जीवन के साथ ही परिवार के लिए मातम का कारण बन जाती है। जीवन में एकाग्रता के साथ हर कार्य करने पर जोर दिया। जवानों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यातायात माह के अलावा बराबर जागरूकता पैदा करने का काम किया जाता है। इस दौरान उन्होंने यातायात के संबंध में निबंध व कला में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों व यातायात माह के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को पुरस्कृत किया। निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, नुक्कड़ नाटक किए गए और भी कई तरह के इनोवेटिव तरीके से इन्होंने जागरूकता करने का प्रयास किया। साथ ही साथ अभियान के तहत लगभग 7 लाख रुपए का लोगों ने चालान किया है, अच्छी कार्रवाई की है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये आम जन जागरण के बीच में एक मैसेज ट्रैफिक नियमों को पालन करने का जाएगा। क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? लगातार घटनाएं होती हैं, तमाम चीज़ें हैं हो रही हैं, तो एज ए एक बड़े अफसर होने के नाते क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? नसीहत केवल इतना है कि देखिए, जान हमारी है, हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें अपने ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। हम अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं तो केवल हम अपनी ही जान नहीं बचा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है हम उसकी जान भी बचा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है अगर हम इस चीज़ को करते हैं। ये जागरूकता अभियान जो है ख़त्म हो जाता है, एक महीने का चलाया गया था, उसके बाद सारे लोग अवेयरनेस की बात भूल जाते हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? यही चीज़, तभी हमने कहा कि ये ट्रैफिक माह एक हम अभियान के तौर पर मनाते हैं। बाकी दिन भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं लेकिन वो कभी कहीं ना कहीं वो साइड में या कभी नज़रअंदाज कर हो जाते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से साल में एक बार एक ट्रैफिक माह का मनाया जाता है, जिससे कि हम पूरे जोर शोर से आम जनता को जन जागरण के साथ में उनको जागरूक करें, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रैफिक के नियमों का अन्य बाकी दिनों पर किसी भी प्रकार का अभियान नहीं चलाते हैं, तब भी अभियान चलता है, जागरूकता का प्रोग्राम सतत जारी रहता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीएनएन न्यूज।